नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। अभी हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में। आपको बता दें, आज ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बता दिया है कि चुनाव कब से होने वाले हैं। तो आपको बता दें, चुनाव 30 नवंबर से शुरू होने वाले हैं, कई चरणों में ये चुनाव होंगे। तो आप देखते रहिए वीडियो में। इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है चुनाव के बारे में। हर एक वो बड़ी खबर मिलने वाली है जो कि चुनाव को लेकर आ रही है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके और चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। लेकिन 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 कमेंट में आप ज़रूर बताते जाइएगा कि आपके हिसाब से कौन सी पार्टी झारखंड में सरकार बनाने जा रही है। तो कमेंट में ज़रूर बताते जाइएगा, अपना ओपिनियन देते जाइएगा, एक तरह से कह सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से चुनाव होने वाले हैं। तो आज सुनील अरोड़ा जो कि चीफ है इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है टोटल 5 फेज यानी कि 5 चरणों में चुनाव होने वाला। पहला चरण 30 नवंबर को होगा। वहीं बात की जाएगा दूसरे चरण की, तो वो होगा 7 दिसंबर को। तीसरा चरण 12 दिसंबर को। चौथा चरण 16 दिसंबर को। और आखिरी और पांचवा चरण 20 दिसंबर को होगा। इसके बाद 23 दिसंबर की तारीख जब आएंगे फैसले, होगा आर या पार। तो आपको बताते चले कि झारखंड में टोटल 81 सीटों पर मतदान होने वाला है। बात की जाए अगर सीटों के बंटवारे की, तो पहले चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 20 सीटों पर मतदान किया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में 17 सीटें सम्मिलित होगी। वहीं चौथे चरण में 15 और पांचवें चरण में 16 सीटों पर चुनाव होने वाला है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, हमने बता दिया है आपको पहले ही वीडियो में। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर एक दावे की। तो एक खबर के अनुसार दावा आ चुका है भाजपा का। तो ओम माथुर ने दावा किया है कि उनकी 65+ सीटें आने वाली हैं। ये दावा लगभग महाराष्ट्र और हरियाणा जैसा ही है। दावे तो वहां पर भी ऐसे ही हुए थे और बताया जा रहा था भाजपा अपने खुद के दम पर बहुमत से पार निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर भी कांग्रेस बदलाव कर सकती है, मोदी लहर को ख़त्म कर सकती है, ऐसा यहाँ पर भी माना जा सकता है। लेकिन देखते हैं, आपके लिए ओपिनियन भी लेकर आएंगे। ओपिनियन पोल सर्वे में आपको कुछ खास बातें देखने को मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आगे फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।